दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों जिस तरह से आज आने वाले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि देवोलीना जो है जस्मिन को धोखेबाज कहती हुई नज़र आ रही हैं, दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर दें। जी हम आपको बता दें कि जिस तरह से देवोलीना जस्मिन को धोखेबाज कह रही हैं उस पर कहीं ना कहीं जस्मिन के जो फैंस हैं वो भड़क गए हैं और वो रूबीना को ही उल्टा सीधा कहते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जहां देवोलीना के फैंस कह रहे हैं कि देवोलीना एकदम सच कह रही है कि जस्मिन जो है धोखेबाज है, जस्मिन धोखे दे रही है, वहीं जस्मिन के फैंस का भी काउंटर आया है। उन्होंने कहा है कि जस्मिन का एक भी ऐसा वाक्य बता दो जिसमें उसने धोखा दिया हो। जी हाँ, जस्मिन ने पहले ही दिन से कहा है कि वो रूबीना को अपनी दोस्त नहीं मानती है, चाहे रूबीना उसे अपनी दोस्त माने या ना माने उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, जस्मिन का कहना होता है कि हमें सिर्फ अभिनव से फ़र्क पड़ता है, मुझे सिर्फ अभिनव की कदर है वरना कि रूबीना की, मैं पहले दिन से ही ये कहती हुई आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमने भी एपिसोड्स में देखा है कि अक्सर जस्मिन कहती हुई नज़र आती है कि मुझे रूबीना से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे बॉन्डिंग अगर किसी से रखनी है तो वो है अभिनव और मेरी बॉन्डिंग अभिनव से है, मुझे अभिनव से फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, और हमने ये भी देखा है कि अभिनव को उन्होंने वाकई में कोई धोखा नहीं दिया है, जो भी वो बोलती हैं अभिनव को पहले बोल देती हैं और उसके बाद ही वो करती हुई नज़र आती हैं। जी हाँ, इस प्रकार से कहीं ना कहीं देवोलीना का जस्मिन को धोखेबाज कहना गलत दिख रहा है। दोस्तों आपका इस पर क्या है मानना, आपकी क्या है राय, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें। जी अगर आप जस्मिन को धोखेबाज मानते हैं तो जस्मिन धोखेबाज लिखो, और अगर आप मानते हैं कि नहीं जस्मिन एक सच्ची दोस्त है, जिस तरह से वो अली के साथ नज़र आ रही है और वो अली के साथ अपनी बॉन्डिंग दिखा रही है, वो वाकई में एक सच्चा दोस्त ही दिखा सकता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उसी तरह की जानकारियां पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।